नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट सर। अगर आप बिहार के किसी भी महाविद्यालय से बीएड करना चाह रहे हैं तो अब आप लोग जान लीजिए कि इसके लिए कॉमन टेस्ट आयोजित होगी। जो भी यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन ले रही थी, अब उसने भी रोक लगा दिया है। और यहां पर जो न्यूज है उनको भी आप जान लीजिए। बीएनएमयू में बीएड सत्र 2018-20 में नामांकन के लिए चल रहे प्रक्रिया पर तत्काल राजभवन के निर्देश पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में राजभवन के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है। राजभवन ने बीएड कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया को बदलने का निर्णय लिया है। अब बिहार के सभी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। इसके लिए 3 कुलपतियों की कमेटी बनाई गई है। कमेटी 10 मार्च तक बदले नए प्रक्रिया के तहत प्रारूप और ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार कर राजभवन को सौंपेगी। रोटेशन के आधार पर बिहार के कुल 312 बीएड कॉलेजों में निर्धारित 35,000 सीटों पर किसी एक विश्वविद्यालय में बीएड एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन होगा। किस विश्वविद्यालय में पहला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा यह राजभवन तय करेगी। फिलहाल राजभवन के निर्देश से बीएनएमयू में इस सत्र के लिए चल रहे नामांकन प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लग गया है। बीएनएमयू के द्वारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आवेदन लिया जा रहा था, अब आवेदन नहीं लिया जा रहा है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए लिए जा रहे आवेदन पर पूर्णतः जो है रोक लगा दिया गया है। तो छात्र 5 मार्च तक आवेदन कर चुके हैं, हो सकता है कि उसका इसी आवेदन पर काम चल जाए या राजभवन का कोई नया आदेश आए तो हो सकता है कि ऑनलाइन प्रक्रिया कर दे। तो आप लोगों का जो है डिमांड ड्राफ्ट लौटाया जा सकता है। आप लोग इसके लिए पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर विश्वविद्यालय इसी को अग्रसारित कर दे, जो भी कंपनी एग्जाम लेगी, तो हो सकता है किसी आवेदन पर काम चल सकता है। अब बीएनएमयू के कुलपति एके रे का भी बयान को जानिए। ने जो स्टेटमेंट दिया है कि सभी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसका प्रारूप और ड्राफ्ट रेगुलेशन करने के लिए कमेटी बनाई गई है। जब तक राजभवन से अगला निर्देश प्राप्त नहीं होता है, कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया पर रोक रहेगी। इसके बावजूद किसी कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई तो एफिलिएशन रद्द कर सकती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर अवध किशोर राय, कुलपति बीएनएमयू, कि 5 मार्च तक 872 छात्रों ने दिया आवेदन। इससे पहले विश्वविद्यालय ने बीएड सत्र 2018-20 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन लेने का निर्णय लेते हुए प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया और छात्रों को आवेदन करने के लिए 3 संग्रह केंद्र भी बना दिए। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि 10 फरवरी से 10 मार्च निर्धारित थी। इस बीच टीपी कॉलेज मधेपुरा के संग्रह केंद्र पर 70, कॉलेज के संग्रह केंद्र पर 450, कॉलेज सहरसा के संग्रह केंद्र पर 212 छात्रों ने कुल सचिव के नाम से ₹1,000 का डिमांड ड्राफ्ट लगाते हुए आवेदन भी कर दिया है। संग्रह केंद्र पर आवेदन का सिलसिला सोमवार तक जारी था। फिलहाल इन छात्रों के आवेदन पर संशय की स्थिति बन गई है। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।